महादेव, महादेव अब आप ही संभालिए अपने पुत्र को, आप ही संभालिए। यही उचित समय है, माता से पूछ लेती हूँ कि कहाँ है महिषासुर। माँ, आपने इतने सारे असुर को मारा, मुझे सबकी कहानी सुनाई है ना, आराम से लेके अंत तक। तुम भला असुरों के संहार के बारे में जानकर क्या करोगी पुत्री? माँ सुनाइए ना, मुझे जानना है। माँ माँ बताइए ना। ठीक है, बताती हूँ, आओ सुनाती हूँ। आओ बैठो। इन असुरों का संहार मैंने स्त्री सम्मान के लिए किया था। बस एक बार अशोक सुंदरी महिषासुर का पता पूछ ले तो हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। निश्चिंत रहिए असुर माता, अब सब शुभ होगा। किंतु सदैव स्मरण रहे, यदि महादेव और देवी पार्वती को इस छल का संदेह हो गया तो ये संकट हमें समाप्त भी कर सकता है। पहले ही महादेव और देवी पार्वती उनके पुत्र के कारण हम पर रुष्ट है, और अब यदि उन्हें यह ज्ञात होगा कि हम पुनः छल के लिए उनके पुत्री का दुरुपयोग कर रहे हैं तो यह संकट हम पर अत्यंत भारी सिद्ध हो सकता है। पुनः विचार कर लीजिए असुर माता दीदी। शुभ बोलिए और शुभ ही सोचिए गुरुदेव, क्योंकि ना शिव शक्ति को कुछ पता चलेगा और ना ही हमें दंड मिलेगा। मुंडा, प्रतीत होता है तुम्हें स्मरण नहीं कि जो समस्त संसार समस्त ब्रह्मांड के कण कण में है उससे मन का मैल छुपाना असंभव है। असुर गुरु होकर महादेव से भयभीत हो रहे हैं। है तो महादेव का ही है, उनके क्रोध की बिजली यदि हम पर गिर गई तो लोक परलोक एक हो जाएगा। आप भी गुरुदेव की बातों में आ गई असुर माता। इतनी पराजय देखने के बाद विजय पर इतने सरलता से विश्वास नहीं होता। जब तक हमारा देह पूरा ना हो जाए सब कुछ शुभ शुभ होने की प्रार्थना करो। जिसके पास में स्वयं शिव पुत्री हो उसे किसका भय किसकी शंका। वो भोली भाली अशोक सुंदरी महिषासुर की सूचना लेकर आती ही होगी। फिर रंभ का पुत्र हुआ महिषासुर, किंतु वो वन में भाग गया। कदाचित इस दंड के पश्चात तुम अपनी सीमाएं समझ सको। मेरे घर, मेरे पति और मेरे परिवार के बारे में कुछ अनिष्ट ना कह सको। क्रोध में इतनी लीन हो गई
कि शुद्ध बुद्ध भूल गई पार्वती, किंतु इसमें तुम्हारा क्या दोष? माँ होने का अनुभव भी कहाँ है तुम्हें? अभी दूसरी बार नई नई माँ जो बनी हो। जो भी कहना है स्पष्ट कहो असुर माता। पीछे देखिए आदिशक्ति, हुंडा तुम्हारी पुत्री अशोक सुंदरी का अपहरण करके उसे कहीं ले गया है, उसे कहीं ले गया है, उसे कहीं ले गया है। मेरी पुत्री कहाँ है? शांत आदिशक्ति, शांत। जगत जननी हो ना, तुम्हारी दृष्टि में तो सब समान होने चाहिए ना। अरे मुझ पर क्रोध दिखाने से क्या होगा? निश्चिंत रहो, सब शुभ होगा। हुंडा तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है, विवाह करना चाहता है, विवाह करना चाहता है। सोचो कितना शुभ संयोग होगा एक असुर का विवाह शिव पुत्री से, शिव पुत्री से, शिव पुत्री से। असंभव, मैं रोकूंगी हुंडा को। रोकोगी तो तब ना जब ये पता होगा कि हुंडा है कहाँ। आदिशक्ति हूं मैं, संसार के कण कण तक पहुंच सकती हूँ। नहीं देवी, हुंडा तक ना आप पहुंच सकती हैं और ना मैं। हुंडा तक ना आप पहुंच सकती हैं ना मैं। महादेव ये क्या कह रहे हैं आप? मैं प्रकृति हूं और आप सृष्टि के कण कण में हैं, तो हम अपनी पुत्री की सहायता क्यों नहीं कर सकते? उस हुंडा तक क्यों नहीं पहुंच सकते? बताइए महादेव, बेचारी आदि शक्ति को अपनी विवशता का कारण बताइए। ब्रह्मदेव का वरदान है हुंडा को, यदि वो अंतर्ध्यान हुआ तो उस तक कोई नहीं पहुंच सकता देवी, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता देवी, उस तक।